जिनों का सरदार अबुल जिन इबलीस, अल्लाह मुझे और आपको उसके शर से महफूज रखे, ये फरिश्तों में से था या जिनों में से था? फरिश्तों में से था या जिनों में से था? बाज़ अहले इल्म का कहना है कि इबलीस फरिश्तों में से था। दलील सूरतुल बकरा की आयत नंबर 34 पढ़ते हैं, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस, कि जब हमने आदम से कहा, जब हमने फरिश्तों से कहा, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। तो अल्लाह ने क्या कहा, वइज़ कुलना लिल मलाइका, वइज़ कुलना लिल मलाइका, हमने फरिश्तों से कहा, तो फरिश्तों में सारे फरिश्तों ने सजदा किया, अल्लाह ने इस्तिस्ना किया अलग किसको, इबलीस को, कहा कि इबलीस ने सजदा नहीं किया। तो कहते हैं कि फरिश्तों में से था, क्या ये बात सही है? नहीं है, गलत है, गलत है। मैं थोड़ा सा ग्रामर का कायदा बता देता हूं, वो ये है कि अरबी जबान में इस्तिस्ना यानी किसी चीज से किसी चीज को अलग करना, मोटी मिसाल देता हूं, मैंने सारी मछली खाई सिवाय सर के, तो क्या मछली का सर मछली में दाखिल है? नहीं है, उसी में से दाखिल है। तो जब आप इस्तिस्ना को अलग करेंगे तो हम जिंस होना ये जरूरी है इस्तिस्नाए मुत्तसिल में, इस्तिस्नाए मुनकते में जब दोनों चीजें अलग अलग हों ये कायदा वहां पर नहीं होता है। तो लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों में से नहीं थे, उसी तरह इबलीस भी फरिश्तों में से नहीं था। जब अल्लाह ने हुक्म दिया, इबलीस फरिश्तों की तरह रंग में रंग लेता था, उनके जैसे इबादतें करता था, उनके जैसा नेक बनने की कोशिश करता था, लेकिन जब अल्लाह ने सजदे की बात की, उसने कहा खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन, खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन। मुसीबत क्या है कि उसने कंपेयर किया, मुआजना किया, कहा कि तूने इसको मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, और आग अच्छी होती है, मिट्टी से बड़ी होती है, मैं क्यों सजदा करूं। अऊज़ु बिल्लाह, अक्सर मुसीबत कंपेयर से होती है, मुआजना करने में होती है। उसी रसूल ने फरमाया उन्दुरु इला मन हुआ असफल मिनकुम वला तंजुरु इला मन हुआ फौकुकुम, दुनिया में मामलात में अपने से नीचे वालों को देखो, अगर नीचे से नीचे वालों को देखोगे जिनके पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए सारी सहूलतें नहीं है, रहने के लिए अपना परमानेंट घर नहीं है, अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करो। कहोगे कि दो बेडरूम का घर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत है, अपना है, ये नहीं कहोगे कि चार बेडरूम विल्ला चाहिए, ये नहीं कहोगे, ये नहीं कहोगे कि बंजारा हिल्स में चाहिए, कहोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जहां दी अल्लाह ने, छत है, मस्जिद के करीब है, इबादत के लिए सही है। उन्दुरु इला मन हुवा असफल मिनकुम, अलगर्ज जिन्नों में से नहीं था, फरिश्तों में से था, इसकी दूसरी दलील क्या है? जिन जमीन पर रहते हैं और फरिश्ते आसमानों में रहते हैं। इबलीस कहां रहता है? इबलीस इस दुनिया में रहता है, इस जमीन में रहता है, लेकिन फरिश्ते आसमानों में रहते हैं। दूसरी दलील, जिन झूठ बोलते हैं, झूठी बातें कहते हैं, फरिश्ते कभी ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी कोई गुनाह नहीं करते, अल्लाह जो कहता है फौरन वो बजा लाते हैं। जिन झूठ बोलते हैं, इबलीस झूठ बोलता है, कैसे पता चला आपको? वो रिवायत मशहूर है ना, ज़कात में सुनते हैं आप लोग, कि आयतुल कुर्सी की फजीलत में कि एक रात अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खजूरों की हिफाजत कर रहे थे, चोरी करने के लिए चला आया, तीन दिन उसने झूठ कहा, तो आप सासलम ने क्या कहा, सदक व हुआ कदू, उसने सच कही ये बात आयतुल कुर्सी के बारे में, लेकिन वो बड़ा झूठा है। तो लिहाजा हमारे मुआशरे में भी, हमारे मुआशरे में भी जो झूठ बोलता है उसे हम शैतान बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, क्यों बोलेंगे, हम खुद आदी हैं झूठ बोलते, नसअलुल्लाह अलाफिया, अल्लाह माफ करे। झूठ बोलना एक आम सी गुनाह हो गई, वरना कोई झूठ बोलता हमारे पास तो हमारे बुजुर्ग उसे क्या कहते, शैतान झूठ बोल रहा है कहते थे, लेकिन अब कोई नहीं बोलता, क्योंकि बड़े भी झूठ बोलते हैं, नौजवान भी झूठ बोलते हैं, शौहर इसलिए झूठ बोलता है कहता है कि बीवी को मनाना है, बीवी इसलिए झूठ बोलती है कि शौहर बकील है देता नहीं है, बच्चे झूठ इसलिए बोलते हैं कि टीचर मारती है, टीचर इसलिए झूठ बोलती है कि प्रिंसिपल पकड़ता है, सारी दुनिया झूठ से बढ़ गई, भर गई दुनिया झूठ झूठ झूठ। अलगर्ज तो शैतान झूठ बोलता है, लेकिन फरिश्ते ना गुनाह करते, ना चोरी करते, ना झूठ बोलते हैं।